हाय एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं समोसा पिनव्हील्स या पोटैटो पिनव्हील्स। ये बहुत ही इजी है, झटपट से बन जाता है, बच्चों को बहुत पसंद आता है। अगर अचानक से कोई गेस्ट आया तो आप झटपट से इसको बना सकते हैं। अगर आपको समोसे खाने का मन कर रहा है और उतनी मेहनत नहीं करना है तो ये बना लीजिए, बहुत ही अच्छा है। तो इस रेसिपी को प्लीज गिव इट अ ट्राई। समोसा पिनव्हील्स बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, उसमें हम उसका आटा गूंथ के तैयार कर लेंगे। तो इसमें मैंने एक कप ऑल पर्पस फ्लोर लिया है, या फिर मैदा आप बोल सकते हैं। उसमें 2 चम्मच मैंने रवा डाल दिया है, या सूजी या सेमोलिना। उसमें मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून नमक, थोड़ा सा अजवाइन और 3-4 टेबलस्पून ऑयल। इस सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से गूंद लूंगी। इसका सॉफ्ट डो तैयार करना है, तो इसको अच्छे से गूंद के इसका आटा तैयार कर लेते हैं। देखिए मैंने कितना अच्छा आटा गूंद लिया है, एकदम सॉफ्ट। ऐसे ही आपको भी गूंदना है। अब इसको हम ढक के 5 से 10 मिनट के लिए रख देते हैं। अब तब तक हम इसका पोटैटो का बैटर रेडी कर लेते हैं। आलू मिक्सचर बनाने के लिए मैंने ये 3 बड़े आलू को बॉइल करके मैश कर लिया है। इसमें मैं डालने वाली हूँ 1 कप मटर बॉइल किया हुआ। इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून सॉल्ट, नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, थोड़ा सा चाट मसाला। अब हम इस सबको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू का मिक्सचर रेडी हो चुका है, अब हम समोसा पिनव्हील्स बना लेते हैं। पिनव्हील्स बनाने के लिए मैंने जो आटा हमने गूंदा था उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। इसको अच्छे से रोटी जैसा बेल लेंगे। देखिए मैंने इसको रोटी की तरह पतला बेल लिया है। अब हम इस पे आलू का मिक्सचर डाल देंगे। मैंने आलू के मिक्सचर को अच्छे तरीके से फैला दिया है। अब मैं इसको रोल कर दूंगी धीरे धीरे। ये अच्छे से रोल हो चुका है। अब हम इसके पिनव्हील्स कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसके ऐसे ऐसे पिनव्हील्स कट कर लिए हैं। आप भी बिल्कुल ऐसे ही सारे पीसेस कट कर लीजिए। देखिए मैंने सारे पिनव्हील्स कट कर लिए हैं, एकदम ऐसे अच्छे से बन गए हैं। अब हम इसको डीप फ्राई या शैलो फ्राई जैसा भी आपको पसंद है वो करेंगे। ये मैंने समोसा पिनव्हील्स रेडी कर लिया है। ऐसे ही हम बाकी बचे हुए आटे का भी पिनव्हील्स बना लेंगे। अब इसको फ्राई करने से पहले एक बाउल में मैंने 1 स्पून ऑल पर्पस फ्लोर लिया है, या फिर मैदा लिया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसका पतला घोल रेडी करना है। देखिए मैंने ऐसा पतला घोल रेडी कर लिया है। अब ये जो हमने पिनव्हील्स बनाए हैं उसको इसमें डिप करेंगे एंड उसके बाद उसको ऑयल में फ्राई करेंगे। ऐसे हम डिप कर करके सारे पिनव्हील्स रख लेते हैं और उसके बाद उसको ऑयल में डीप फ्राई या शैलो फ्राई करेंगे। पिनव्हील्स को फ्राई करने के लिए मैंने एक कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। मैं इसको शैलो फ्राई करने वाली हूँ, आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। हम इसको मीडियम टू हाई हीट पे 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। इसको फ्राई करते हुए 2 मिनट हो चुका है। अब हम इसको पलट लेंगे और दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे। एक साइड से कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। फ्राई करते हुए 5 मिनट्स हो चुका है, एकदम क्रिस्प हो चुका है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब इसको निकाल के हम सर्व कर लेंगे। यम्मी समोसा पिनव्हील्स रेडी है। आप इसे किसी भी चटनी या सॉस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। देखिए कितना क्रिस्प बना है, एकदम क्रिस्पी बना है और एकदम अच्छा बना है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हिट लाइक, सब्सक्राइब टू आवर चैनल फूडी दिल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। एंड यस, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिए। हम हर फ्राइडे एक न्यू रेसिपी रिलीज करते हैं। एंजॉय, थैंक यू।